अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल। व्यूवर्स, वर्ल्ड स्टाइल लाया आपके लिए एयरलाइन स्कार्फ की कटिंग। जो व्यूवर्स आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि एयरलाइन स्कार्फ जो होता है, ये मिस्री स्कार्फ भी कहलाता है, एयरलाइन स्कार्फ भी कहलाता है, ये इसकी कटिंग का कहा था आपने, काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि इसकी कटिंग किस तरह से होती है, ये देखिएगा। तो ये मैं आपको कटिंग करना इसकी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें कपड़ा कितना चाहिए हमें। इसमें कपड़ा लगता है 2.25 मीटर लगता है व्यूवर्स, कपड़ा 2.25 मीटर कपड़ा हो, और इसका अर्ज जो है 58 इंच का इसका अर्ज हो, कपड़े का जो अर्ज है 58 इंच इसका अर्ज होता है, ये देखिएगा व्यूवर्स, 58 इंच इसका कपड़े का अर्ज होता है। तो ये इस अर्ज का कपड़ा 2.25 मीटर हमें कपड़ा चाहिए। ये देखिए, ये रोल है, इस रोल में से मैं निकाल लेता हूँ कपड़ा, 2.25 मीटर कपड़ा, छः देखिए व्यूवर्स, ये 2.25 मीटर कपड़ा हमने ले लिया व्यूवर्स। ये जो हमने 2.25 मीटर कपड़ा निकाला है, इसमें से हमने एक लंबाई ये ली है 58 इंच की, इसकी लंबाई हमने ये ली है, ये देखिएगा एक, और इसमें से 2.25 मीटर में से 24 इंच का ये हमने नकाब के लिए और कैप के लिए 24 इंच कपड़ा निकाला है इसमें से, ये टोटल हो गया 24 और 58 इंच, टोटल हो गया 82 इंच, 82 इंच। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, देखिएगा इसको इस तरह से। सबसे पहले इसकी ये जो कन्नी है, इसको आप इस तरह से इसको फाड़ लेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है व्यूवर्स, यहाँ से भी इसकी लेंथ बराबर आना चाहिए, बिल्कुल ये पीस स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होने के बाद ये इस तरह से बिछा जाएगा, देखिएगा व्यूवर्स। अब यहाँ से भी हमने इसकी कन्नी निकालनी है, ये इस तरह से ये हमने दोनों साइडों की कन्नी निकाल ली है। अब ये पीस हो गया हमारा बिल्कुल स्क्वायर, ये देखिएगा बिल्कुल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर, ये कोना है और एक ये कोना, इसको इस तरह से इसको फोल्ड कर इसको इस तरह से बिछाया जाएगा व्यूवर्स। व्यूवर्स बहुत ही आसान कटिंग है इसकी, जो हम लोग आपको बता रहे हैं ये बहुत ही आसान कटिंग बता रहे हैं इसकी, एयरलाइन स्कार्फ की किस तरह से कटिंग होती है, ये देखिएगा व्यूवर्स। ये हमने इसको इस तरह से इसको सेट कर लिया है कपड़े को, ये देखिएगा, ये हमारी शॉप का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप आ सकते हैं, हमारी शॉप पर विज़िट कर सकते हैं हमारे शोरूम का। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये देखिए, ये पाकिस्तान का नंबर है, जो बैरून मुल्क में रहते हैं व्यूवर्स उनके लिए ये नंबर है। तो काफ़ी व्यूवर्स ने हमारे से मंगवाए भी है अबाय, जिनको पसंद आया, बहुत पसंद आया अबाय, हमारे से उन्होंने इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर हमसे ये अबाय मंगवाए है। आपको अबाया चाहिए हो, इस नंबर के ऊपर आप रابطہ कर मंगवा सकते हैं हमसे अबाया। ये देखिएगा व्यूवर्स, स्क्वायर जो हमने पीस लिया था, इसको इस तरह से बिछाना है, ये देखिएगा इस तरीके से ये बिछा हुआ आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आसान है ये बिछाना इसको। सर व्यूवर्स, सबसे पहले जो है हमने इसका ये जो ये कोना है इसका, ये इस कोने से हमने ये निशान लगाना है, ये 18 इंच पर, ये देखिएगा यहाँ से हमने ये 18 इंच पर निशान लगाया। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिएगा, यहाँ से भी हमने ये 18 इंच पे ये निशान लगाना है, ये चीज़, ये देखिए दोनों साइड से ये 18 इंच लेना। उसके बाद व्यूवर्स, ये देखिएगा, इसको इस निशान को इस निशान से मिलाकर ये इस तरह से चाक से सीधा कर देंगे, ये देखिए। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिए निशान लग गया, अब इसमें मुझे इस तरह से कटिंग करनी है इसकी व्यूवर्स, ये देखिएगा इस निशान के ऊपर इस तरह से कटिंग करनी है, ये देखिएगा व्यूवर्स। अच्छा ये पीस जो है, ये देखें, ये बिल्कुल उरेब कपड़ा है ये व्यूवर्स, ये चीज़ है ना, ये बिल्कुल उरेब है, ये चीज़ देखिए, यहाँ से भी उरेब है व्यूवर्स, यहाँ से भी उरेब है, ये चीज़ देखिए, ये देखिए इस तरह से कटिंग होगी, ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना, ठीक है व्यूवर्स। अब इसके हिजाब कटिंग करता हूँ मैं, आप इसका ये जो हमने 24 इंच कपड़ा लिया था व्यूवर्स, ये देखिए, ये 24 इंच हमने यहाँ से लिया था, ये ऐसे, और 24 इंच हमें इसी तरह से लेना है,
ये देखिएगा, ये 24 इंच पे इस तरह से ये कट लगाकर ये पीस हमने ये फाड़ दिया। ये देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ से भी ये 24 इंच, यहाँ से भी 24 इंच है। ये देखिएगा, ये ऐसे स्क्वायर में कपड़ा लिया ये। अब इसको व्यूअर्स ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर कर ये इसका केप बन जाएगा। यहाँ पर सिलाई लगेगी, वो आपको जब स्टिच करेंगे उस दौरान बताएगी कि इसकी सिलाई किस तरह से होती है। छवी वर्ष ये देखिए, इस तरह से ये फोल्ड कर दिया। ये जो है केप होता है व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये है ये केप इसका। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी स्कार्फ की, एयरलाइन स्कार्फ की वीडियो पहले अपलोड की हुई है व्यूअर्स, आप लोगों ने देखी होगी हमारे, ये वीडियो आपको मिल जाएगी क्योंकि इसका पहनने का जो तरीका है वो वीडियो में बताया हुआ है व्यूअर्स। अब इसकी कटिंग बता रहे हैं हम आपको कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिच कर कर बताएंगे कि किस तरीके से इसकी स्टिच होती है। व्यूअर्स ये देखिए, 24 इंच जो कपड़ा हमने लिया था, अब जो है इसमें से हमने इजाब निकालना है इसका फ्रंट का। व्यूअर्स इसको ऐसे फोल्ड कर कर ये जो है ये इजाब ये निकालना है व्यूअर्स। ये देखिएगा, व्यूअर्स ये देखिएगा, ये जो हमने 24 इंच जो कपड़ा निकाला था इसमें से, ये हमने हिजाब निकालना है इसमें से। अब ये हिजाब यहाँ से हमने रखना है इसको 15 इंच। ये देखिएगा, ये 15 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर इसको कट लगाना है। इसको व्यूअर्स इस तरह से दो पीस करने हैं इसके। ये देखिएगा, ये दो पीस करने के बाद इसको भी बस इस तरह से फोल्ड करना है। पहला पीस ये इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो दूसरा पीस था ये भी इसी तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिएगा, इस तरह से फोल्ड कर कर भी बस। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाना है बस। ये देखिएगा, ये 1.5 इंच का ये निशान लगा कर इसको फिर ये स्केल से इस तरह से इसको क्रॉस करना है। ये देखिए, अब इसकी इस तरह से निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है हमें। ये देखिएगा, ये फ्रंट का हिजाब है ये। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये पट्टी हमने फाड़नी है इसकी। व्यूअर्स ये पट्टी जो लेनी है हमें, 5 इंच की पट्टी चाहिए ये इसकी। ये देखिएगा, मैंने 5 इंच के ऊपर ये कट लगा दिया है। 5 इंच चौड़ी चाहिए पट्टी और 24 इंच लंबी चाहिए व्यूअर्स। ये देखिएगा, जो हमने ये 24 इंच जो कपड़ा निकाला था, 24 इंच इसमें से ये पट्टी भी निकल गई है। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके ऊपर इस तरह से ये बिल्कुल फिक्स आ गया। ये जो हमने शुरू में कटिंग करी थी ये इस तरह से आ गया। ये देखिएगा, ये देखिएगा व्यूअर्स, ये इस तरह से ये ज्वाइन होता है। ये देखिए, अब इसकी जो हमने ये माथा पट्टी निकाली थी, ये इसकी माथा पट्टी हो गई है बस। ये देखिए, ये इसकी माथा पट्टी हो गई। ये जो हमने व्यूअर्स ये कैप निकाला था, ये देखिएगा, ये इसका कैप हो गया। ये इसकी कंप्लीट कटिंग हो गई है व्यूअर्स इसकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिच कर बताएगी। स्टिच भी बहुत ही आसान है इसकी, इंशाल्लाह हम बहुत आसान कर आपको बताएंगे कि किस तरह से। देखिएगा, ये 3 पीस हिजाब है। ये देखिए,
व्यूवर्स, इसकी कटिंग की वीडियो बनाए या स्टिचिंग की वीडियो बनाए, कमेंट्स में आप अपनी राय दीजिए। ये देखिएगा, ये फ्रंट के पल्ले हैं, ये दो पल्ले बैक के हैं, थ्री पीस ही जा गई है। व्यूवर्स ये देखिए, ये मकना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग की वीडियो बनाए तो आप कमेंट्स में अपनी राय दें। ये देखिएगा व्यूवर्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स में आप अपनी राय दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।